और आज की हिंदी के टेस्ट में हम लोग यहाँ पर हिंदी में ग्रामर पोर्शन सॉल्व करेंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, हर एक टॉपिक से 20-25 ऐसे क्वेश्चन जो संभावित है कि आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आवाज आ रही है तो एक बार क्लियर कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइएगा, आवाज आ रही है, क्लियर है? क्लियर है ना? चलो तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा फास्ट तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, अवरत शब्द का विलोम क्या होता है? अवरत का विलोम क्या होता है? तो आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपका अन लगा देंगे, अर्थात आपका अनावृत बन जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर। सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या होता है? तो सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा? तो टू का ऑप्शन क्या बन जाएगा, सूक्ष्म मतलब बिल्कुल छोटा होता है, स्थूल मतलब क्या होता है, जैसे खुरदरा है ना, तो सूक्ष्म का हो जाएगा, स्थूल ऑप्शन का हो जाएगा ए नंबर। अगला है ऋजु का विलोम क्या होता है? ऋजु का विलोम क्या होता है? देखो ऋजु मतलब होता है सीधा, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, वक्र मतलब क्या हो जाएगा, टेढ़ा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अभ्यंतर का विलोम शब्द क्या होता है? अभ्यंतर का विलोम शब्द क्या होता है, यहाँ पर बताना है। अभ्यंतर मतलब जो अंदर की ओर होता है, और इसका विलोम क्या हो जाएगा, जो बाय हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है मृषण का विलोम शब्द क्या होता है? मृषण का विलोम शब्द बताना है। चलिए मृषण का विलोम क्या हो जाएगा, तो देखिएगा कि मृषण का जो होता है बिल्कुल महीन, कह सकते हैं जो बिल्कुल पिसा हुआ, इसी का विलोम हो जाएगा रुच मतलब आपका खुरदुरा है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है प्रकृति का विलोम प्रतिकूल का विलोम क्या होता है? प्रतिकूल दिया है तो आपको अनुकूल में रहना है, मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया है स्थावर का विलोम क्या होता है? स्थिर रहने वाला, मतलब यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो आपका जवाब हो जाएगा जंगम, क्या हो जाएगा, जंगम, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम क्या होता है? उन्मूलन मतलब क्या हो जाता है, किसी को किसी चीज को उखाड़ कर फेंक देना, अर्थात इसका हो जाएगा विलोम रोपण, रोपण मतलब होता है लगाना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होता है? अर्वाचीन और आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपका प्राचीन, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर विलोम पूछा गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है रित का विलोम शब्द क्या होता है? चलिए रित का विलोम क्या हो जाएगा, रित का विलोम तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अनत्र, यहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा, जो नया क्वेश्चन मिले उसको जरूर नोट करिएगा, यहाँ पर रित का विलोम क्या होता है, अनत्र होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है गुप्त का विलोम क्या होता है? कोई चीज गुप्त है तो एक में एक दिन प्रकट जरूर होती है या मुक्त होती है, तो चलिए यहाँ पर विलोम बताना है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा यहाँ पर, इस प्रश्न का जवाब सही क्या हो जाएगा, गुप्त का विलोम क्या होता है? तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है नंबर प्रकट हो जाएगा, गुप्त है तो क्या हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा, मतलब प्रकट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा। चलिए अगला दिया है परिसीमन का विलोम, परिसीमन का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए परिसीमन और परिसीमन है तो आपका क्या बनेगा, असीमन बनेगा, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा कौन सा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे दिया है समष्टि का विलोम, समष्टि का विपरीत क्या होता है, समष्टि का विपरीत क्या होता है, यहाँ पर देना है। चलिए यहाँ पर जवाब सही देना है, और जवाब भी यहाँ पर काफी लोग दे दिए हैं, और ऑप्शन आ रहा है 13 का डी नंबर। याद रखिए समष्टि का होता है बेस्ट, क्या होता है, बेस्ट ही होता है। अगला दिया है जटिल का विलोम क्या होता है, जटिल का विलोम क्या होता है, भाई जटिल है तो सरल हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है स्तुत्य का विलोम शब्द क्या होता है, चलिए बताइएगा कि स्तुत्य का विलोम शब्द क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर देखो जैसे क्या होता है, किसी की प्रशंसा की जाए है ना, तो यहाँ पर आपका ही हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब देखा जाए स्तुति, और स्तुति मतलब इसका विलोम क्या होता है, निंदा है ना, किसी से प्रशंसा कर रहे हो तो उसकी निंदा हो जाएगा, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे यहाँ पर स्वार्थ का विलोम शब्द क्या होता है, स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ हो जाएगा है ना, निस्वार्थ भाव से पढ़िए, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है दिए गए विकल्पों में से प्रचुर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, चलिए प्रचुर का विलोम पूछा गया, और प्रचुर की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देखो प्रचुर मतलब आपका विलोम शब्द पूछा गया है, चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, काफी लोग दे रहे हैं प्रचुर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर करें आपसे, यहाँ पर हो जाएगा अल्पज्ञ मतलब अल्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका अल्प हो जाएगा, या आप लोग इसको एक और बना सकते हैं, अप्रचुर कर सकते हैं, क्या इसे अप्रचुर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है आदि का विलोम शब्द क्या होता है, आदि का विलोम शब्द क्या होता है, चलिए आदि का विलोम क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, जैसे आदि मतलब क्या होता है, पहले होता है, और अंत मतलब लास्ट होता है। अगला क्वेश्चन दिया है ब्यास, और ब्यास का विलोम क्या बनेगा, चलिए बताइएगा यहाँ पर ब्यास बताइएगा, ब्यास का विलोम शब्द क्या बनेगा, चलिए 19 का ऑप्शन यहाँ पर ब्यास का हो जाएगा, यहाँ पर देखो ब्यास का होता है समास, क्या बनेगा, यहाँ पर याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ब्यास का समास होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है वैमनस्य का विलोम शब्द बताना है, चलिए वैमनस्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो चलिए ऑप्शन बी नंबर, यहाँ पर आपका सोमनस्य होता है, क्या होता है, वैमनस्य का होता है, सोमनस्य होता है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, चलिए दो वर्णों के मेल से, यहाँ पर दिया गया है वर्णों के मेल से, जब वर्ण मिलते हैं तो संधि होती है, जब क्या होता है शब्द मिलते हैं तो समास होते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। संधि कितने प्रकार की होती है, तो आपको याद है कि आपकी तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि व्यंजन और आपका विसर्ग हो जाएगा। अगला उद्घाटन का संधि विच्छेद बताना है, चलिए उद्घाटन का क्या बन जाएगा,
चलिए फटाफट जवाब देते रहिएगा, ये समझिएगा कि आपका रिवीजन है पूरी तरीके से हो रहा है भनाभन। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, थ्री नंबर में ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, यहाँ पर हो जाएगा उत्तधन घाटन, कौन सा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तधन घाटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है पुस्तकालय में कौन सी संधि है, पुस्तकालय अर्थात पुस्तक धनालय, पुस्तक धनालय की अगर बात करते हैं तो पुस्तक और आलय हो जाएगा कुल मिलाकर यहाँ पर छोटा और बड़ा, कुल मिलाकर यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर ए नंबर आपका दीर्घ संधि है, कौन सी है दीर्घ संधि बनेगी, यण संधि नहीं बनेगी, ठीक है ना, क्या बनेगी यहाँ पर, यह हो जाएगा दीर्घ संधि, यण कैसे हो जाएगी, आप लोग यण कैसे दे रहे हैं, यहाँ पर क्या बनेगा दीर्घ बनेगी। अगला क्वेश्चन दिया है महोत्सव का संधि विच्छेद, चलिए महोत्सव की अगर बात करते हैं तो की मात्रा लगी, की मात्रा लगी है मतलब गुण संधि होगा और बनेगा क्या, तो महाधनुत्सव, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा महाधनुत्सव हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है भुर्जा का संधि विच्छेद क्या होता है, भुर्जा का संविच्छेद क्या होता है, भुर्जा यहाँ पर हो जाएगा भू धन ऊर्जा, क्या बन जाएगा भू धन ऊर्जा बनेगा, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए पयोधि का संविच्छेद बताइएगा, पयोधि का संविच्छेद, चलिए सेवन नंबर की अगर बात करते हैं पयोधि में, तो देखो ओ की मात्रा हटाना है, ओ की मात्रा हटाएंगे तो विसर्ग लग जाएगा और बन जाएगा पया धन धी, पया धन धी कहाँ पर है, ऑप्शन बी है, ये आपकी विसर्ग संधि में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सूर्योदय का संविच्छेद होगा, चलिए आठ का ऑप्शन देना है सूर्योदय का संविच्छेद, और सूर्योदय का संविच्छेद क्या होता है, सूर्य धन उदय होता है, क्या होता है सूर्य धन उदय होता है, इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी संधि है, ओ की मात्रा लगी है बीच में, है ना, तो आपका जवाब हो जाएगा गुण संधि, कौन सी संधि है, गुण संधि है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अयादि संधि है, यहाँ पर बताइए अयादि संधि, चलिए नाइन का जवाब देना है, और देखो दिया गया ए नंबर नौ धनिक अर्थात आपका होता है नाविक, है ना, नाविक क्या है यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी अयादि संधि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा से संसार का सही संविच्छेद आपको चुनना है, और यहाँ पर संसार सम धन सार सम अर्थात यहाँ पर जो माँ होगा वो आधा होगा, और कहाँ पर दिया है ये दिया गया है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सम धन सार संसार हो जाएगा व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निष्पाप में कौन सी संधि है, फटाफट जवाब देते रहिए, जितनी स्पीड में आप लोग यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं उतनी स्पीड में कमेंट करिए। चलिए 11 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर विसर्ग, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं सदैव में कौन सी संधि है, चलिए बताइएगा सदैव में कौन सी संधि है, मतलब इसे अगर आप तोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सदैव में जो आपकी संधि है वो आपकी कौन सी है, फटाफट देना है जवाब। यहाँ पर जवाब आ रहा है सदा धन योग, कौन सा ऑप्शन डी, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी सदा धन योग हो जाएगा। अगर हमसे पूछे कौन सी संधि है तो देखो यहाँ पर बड़ा की मात्रा है, यहाँ पर एक की मात्रा है तो आय की मात्रा बन गई है, और आय की मात्रा किसमें होती है, आय की मात्रा जो होती है किसमें होती है, तो ये आपकी होती है किसमें, तो आपकी कह सकते हैं आपकी वृद्धि संधि में, है ना, तो सदैव में संधि कौन सी है, तो आपकी वृद्धि संधि याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अहंकार का संविच्छेद क्या हो जाएगा, लाइक शेयर भी करिएगा भाई, जितने लोग जुड़े एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ऑफलाइन देख रहे हैं तो भी वीडियो को लाइक करिएगा। अहंकार का संविच्छेद बता रहे हैं 13 नंबर में, 13 ऑप्शन हो जाएगा डी अहम धनकार, कौन अहम धनकार, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है नाभिक का संविच्छेद क्या हो जाएगा, नाभिक का संविच्छेद बताना है नाभिक, तो क्या बन जाएगा नौ धन एक, क्या हो जाएगा नौ दिन एक, अभी आपने पढ़ा कि आपकी अयादि संधि है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दिगंबर में संविच्छेद बताना है, दिगंबर, दिगंबर में यहां पर गा का परिवर्तन का में हो जाएगा दिग्धनंबर, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर, यहां पर आपका दिग्धनंबर हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब याद रखिए कि आपके व्यंजन संधि में रूल होता है कि गा का परिवर्तन किसमें, तो उसी वर्ग के तीसरे वर्ग में आपका होता है तो का हो जाएगा क्या गा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया है ऋग्वेद का संविच्छेद बताना है, चलिए बताइएगा ऋग्वेद का संविच्छेद क्या हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पर 16 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऋक धन वेद, क्या बनेगा ऋक धन वेद बनेगा, कौन सा ये वाला आपका बनेगा, गा का परिवर्तन का में होगा और आधा होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया है महोषध का संविच्छेद बताइएगा, यहाँ पर औ की मात्रा है वृद्धि संधि में, यहाँ पर देख सकते हैं महोषधि, चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा महोषध का शब्द का संविच्छेद बताइएगा। चलिए 17 का ऑप्शन डी आ रहा है, यहाँ पर महाधन औषध क्या हो जाएगा, महाधन औषध हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया अन्वेषण का शुद्ध संविच्छेद क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर वा के साथ आधा न लगा है, वा के साथ आधा न लगा है, यण संधि है और इसे तोड़िए तो क्या बनेगा, तो चलिए 18 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा अनुधनेषण, क्या अनुधनेषण, ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं दिग्दर्शन का संविच्छेद क्या हो जाएगा, दिग्दर्शन का संविच्छेद हो जाएगा क्या दिग्धन दर्शन, क्या दिग्धन दर्शन, गा का परिवर्तन का में हो गया कहां पर है का, चलिए पकड़िए जल्दी से कहां पर है, ये दिया गया ऑप्शन डी, तो यहाँ पर हो जाएगा 19 का ऑप्शन कौन सा डी हो जाएगा दिग्धन दर्शन हो जाएगा। अगला दिया है पवन का संविच्छेद क्या होता है, पवन का संधि जो कि एक अयादि संधि है, और अयादि संधि में आप देख सकते हैं पोधनन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा पोधनन हो जाएगा, है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा पोधन अचान, कहां पर है भैया यहाँ पर 20 नंबर में सी नंबर, ये वाला आपका हो जाएगा ये वाला पोधनन, ठीक है ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है पौधनन को क्या बोलेंगे, जब यहाँ पर पोधनन हुआ पवन हुआ तो पौधनन को क्या बोलते हैं, तो पावन बोल देते हैं, यहाँ पर मात्रा क्या हो जाती है बड़ा हो जाती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यद्यपि का संविच्छेद बताइएगा, यद्यपि का संविच्छेद बताइएगा, फटाफट बताइएगा यद्यपि का संविच्छेद बताइए, चलिए 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही, यदि धनपि क्या हो जाएगा यदि धनपि बनेगा, ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन मनोरथ का संविच्छेद, मनोरथ का संविच्छेद बताइएगा 23 नंबर में, 23 का क्या बनेगा, तो ओ की मात्रा हटाना है, यहाँ पर देखो ये स्वर संधि है नहीं है विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि में यहाँ पर रूल होता है कि ओ की मात्रा हटाइए और विसर्ग लगाकर जोड़ दीजिए, तो मना धनरथ हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है प्रतिधन एक संधि में कौन सा शब्द आपका दिया गया है, मतलब इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 24 नंबर में, 24 नंबर में प्रत्येक, यहाँ पर जवाब आपका बनेगा 24 में, यहाँ पर नंबर प्रतिदिन एक अर्थात प्रत्येक।
एक हो जाएगा, एक मात्रा गुण संधि, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है स्वागत शब्द का सही संविच्छेद बताइए। चलिए स्वागत शब्द का संविच्छेद बताइएगा 25 नंबर में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सुधनागत, है ना। सुधनागत कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन लिखा है ए नंबर, आपका जवाब ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है। आंख का पर्यायवाची अच्छी होता है, नयन होता है, द्रग होता है, लेकिन द्रगंब नहीं होता है। क्या द्रगंब नहीं होता है, याद रखिएगा। तो इसका जो आपका ऑप्शन बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। द्रगंब मतलब होता है आंधी तूफान वगैरह, ठीक है ना। द्रगंब मतलब होता है आंधी तूफान बवंडर, है ना। यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ का पर्यायवाची नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। और बिजली के पर्यायवाची की बात करते हैं तो आपका तड़ित होता है, चंचला होता है, सौदामिनी होता है, है ना, लेकिन चंचरी नहीं होता है। क्या चंचरी नहीं होता है, चंचरी मतलब होता है उतावला, है ना। जो व्यक्ति होता है उतावला होता है, नखटा होता है, उसे बोलते हैं चंचरी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। चलिए भाई पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए वीडियो को भाई लाइक शेयर भी करिएगा, जो लोग इतनी बार जुड़े हैं कम से कम वीडियो को लाइक भी करिएगा। स्पीड के साथ पढ़ा रहे हैं कह सकते हैं, तो थकी थकी भी लग रही है, तो कम से कम लाइक शेयर करें, सब लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा जो लोगों ने किया है। चलिए बताइए पक्षी का पर्यायवाची नहीं है कौन सा नहीं है। तो देखो यहाँ पर द्विज दिया गया है, है ना, द्विज दिया है, होता है, खग होता है, विहग होता है, लेकिन यहाँ पर पंथी नहीं होता है। क्या पंथी नहीं होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। पंथी मतलब होता क्या है, जैसे बटोही हो गया, राही हो गया, यात्री, है ना, पथिक हो गया। तो याद रखिए पथिक, राही, यात्री, बटोही, ये बोला जाता है पंथी को, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, आपको देना है फोर नंबर में। तो देखो यहाँ पर फोर नंबर में, यहाँ पर देखो द्विजता दिया है, तनया दिया गया है ना, और आपका सुता दिया गया है, ये तो आपके हैं, लेकिन यहाँ पर बी जो दिया दौहित्र, दौहित्र मतलब होता है नाती, है ना, क्या होता है नाती, जैसे होता है नाती, तो नाती को कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है। अरुण का समानार्थी नहीं है, यहाँ पर आपको जवाब देना है फाइव नंबर में। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं फाइव में, यहाँ पर सूर्य होता है ना, अरुण का सूर्य का सारथी होता है, और यहाँ पर आपका बिंबा फल भी होता है ना। यहाँ पर जो कुमकुम दिया गया है, ये इसका आपका अर्थ नहीं होगा। कुल मिला के ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, फारिश गार्ड में पूछा गया था, है ना। तो इसमें आपका सही किया गया था, क्या सी नंबर सही किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची बताइएगा। खिड़की तो आप लोग जानते होंगे, है ना, खिड़की की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो वातायन होती है, हवा उसे आती है, बारी हो गई, दरीचा हो गया, मतलब ये सभी होते हैं खिड़की के पर्यायवाची। आगे क्वेश्चन दिया गया है नलिनी, कैरो, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची होते हैं। चंद्रप्रिया से आपको याद आया होगा सेवन में, ये आपका होता है कुमुदिनी का, किसका, कुमुदिनी का। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है कपड़ा का पर्यायवाची शब्द बताना है, कपड़ा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। चलिए कपड़ा का पर्यायवाची होता है वसन, है ना, चीर, वसन, कपड़ा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। समुद्र की पर्यायवाची की बात करते हैं तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है रत्नाकर, है ना, कौन, सी नंबर रत्नाकर जो आपका है, आपके समुद्र का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन दिया है अनाज, और अनाज का पर्यायवाची क्या होता है, अनाज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सस्य होता है, क्या सस्य होता है, अनाज होता है, सस्य होता है। ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कानन का पर्यायवाची, कानन का पर्यायवाची पूछा गया है, और कानन का पर्यायवाची क्या बनेगा। यहाँ पर आपका 11 नंबर में ऑप्शन आपका बनेगा वन, है ना, वन को बोला जाता है ना, वन को बोला जाता है कानन, यहाँ पर ऑप्शन बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि के पर्यायवाची की बात करते हैं तो विभावरी होता है, निसी होता है, रजनी होता है, लेकिन समीर नहीं होता है, वायु का होता है, मारुत, अनिल, पवन, वायु, ये समीर के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि धूसर का पर्यायवाची होगा, धूसर का पर्यायवाची क्या होता है। तो भाई धूसर का पर्यायवाची होता है गधा, है ना, और गधा के जो बच्चा होता है उसे बेसर बोल देते हैं, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है खगेश का पर्यायवाची, खगेश का पर्यायवाची पूछा गया, खगेश का पर्यायवाची, यहाँ पर खगेश मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 14 नंबर में ऑप्शन बी, वैनते होता है, खरगोश का जो खगेश जो दिया है आपका वैनते, है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है धनंजय का पर्यायवाची बताइएगा। धनंजय किसे कहते हैं, याद है किसी को, धनंजय किसे कहते हैं, धनंजय का पर्यायवाची होता है गुड़ाकेश, क्या होता है, गुड़ाकेश होता है। इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से यमुना का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। यमुना का पर्यायवाची नहीं, देखो यमुना को अकर्जा कहते हैं, यमुना को कृष्णा कहते हैं, यमुना को हंस सुता कहते हैं, लेकिन कुलंकसा नहीं कहते हैं। कुलंकसा किसे कहते हैं बताइए जल्दी से, कुलंकसा किसे कहते हैं, किसी को याद है बताइए जल्दी से। यहाँ पर आपका होता है कुलंकसा बोलते हैं नदी को, किसे बोलते हैं, नदी को बोलते हैं, नदी को सर बोल देते हैं, सारंग बोल देते हैं, इस कारण से ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी बताइएगा। मीन मतलब आपका होता है मछली होता है, क्या, यहाँ पर 17 नंबर में, यहाँ पर याद रखिए मीन का समानार्थी यहाँ पर हो जाएगा झख, क्या झख, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सरसिज का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर दिया है सरसिज, और सरसिज किसे कहते हैं,
दर्शित किसे कहते हैं? ये नलिंग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नलिंग को। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर का अर्थ क्या होता है और पुष्कर का मतलब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, सरोवर का नाम है। हाँ, और अगला क्वेश्चन दिया है अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो देखो अश्व मतलब है होता है, घोड़ा होता है, घोटा होता है, लेकिन तरंग नहीं होता है। तरंग किसका होता है? जैसे इलोर आ गया, लहर आ गया, लहरी आ गई, है ना, इसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भूमि के अंदर की जानकारी जो रखता है, भूमि के अंदर की जो जानकारी रखता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसे बोलते हैं हम लोग भूगर्भीयता। ऑप्शन यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है आदि से अंत तक के लिए शब्द क्या बनेगा? आदि से अंत तक के लिए शब्द क्या बनेगा? तो चलिए यहाँ पर टू का ऑप्शन देना है, और आदि से अंत तक के बोलते हैं अधोपांत। क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है ना, रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जानने की इच्छा के लिए, और जो जानने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका जिज्ञासा बोलते हैं। क्या? जिज्ञासा। ऑप्शन यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपसे यहाँ पर जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिस पर आक्रमण किया गया उसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर फोर का ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर, आक्रांत बोलते हैं। क्या? आक्रांत। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया है प्राणदा के लिए अनेक शब्द बताइएगा। प्राणदा किसे बोलते हैं? प्राणदा किसे बोलते हैं? याद के जीवन देने वाली दवा को बोलते हैं प्राणदा। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई जो कथा होती है उसे क्या कहते हैं? अपने जीवन पर स्वयं लिखी गई कथा होती है इसे क्या कहते हैं? तो आपकी आत्मकथा बोलते हैं। इसे क्या? आत्मकथा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या बोलते हैं? तो मोक्ष को बोलते हैं मोक्ष। कौन सा है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रात में घूमने वाले के लिए क्या बोलेंगे? जो रात में घूमता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा निशाचर। कौन? निशाचर। ऑप्शन ए हो जाएगा। युयुत्स शब्द का अर्थ क्या होता है? युयुत्स का अर्थ क्या होता है? नाइन का जवाब देना है यद्र के युद्ध में युद्ध करने का जो इच्छुक होता है, है ना, हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है, तो याद रखिए ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, जो ज्ञात इतिहास के पहले का हो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिए इसे कहते हैं हम लोग क्या? तो आपका प्रागैतिहासिक बोलते हैं। क्या? प्रागैतिहासिक। ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। अगला है जो स्त्री के वशीभूत होता है, है ना, जो स्त्री के वशीभूत है उसे क्या कहेंगे? याद रखिए वो स्त्रैण कहते हैं। इसको भी नोट करिए, भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं? तो चलिए भाई यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा? जो शक्ति की उपासना करता है उसे बोलते हैं शाक्त। क्या बोलते हैं? शाक्त बोलते हैं, है ना। और शिव की उपासना होता तो हम शैव बोल देते। क्या? यहाँ पर शिव की उपासना होता है तो हम लोग शैव बोल देते। अगला क्वेश्चन दिया है वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, तो चलिए बताइएगा वह स्त्री जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है। 13 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, वाग्दत्ता बोलते हैं। क्या? वाग्दत्ता। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मदिरा पीने का जो प्याला होता है उसके लिए क्या शब्द बनेगा? मदिरा पीने का प्याला के लिए क्या बनते हैं? तो चषक बोलते हैं। क्या? चषक बोलते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा 14 का ऑप्शन सी, ये वाला सा बनाइएगा, हमने आपको फिर से बता दिया है, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है तैरने या पार होने का इच्छुक, जो तैरने का इच्छुक होता है उसे क्या बोल देते हैं? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा तितिरसु। क्या बोल देते हैं? तितिरसु बोलते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं? जो जंगल में लगती है आग उसे क्या कहेंगे? यहाँ पर 16 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा दावानल। क्या होता है? दावानल। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं? पर्वत की तलहटी को क्या बोलेंगे? चलिए जो पर्वत की तलहटी होती है उसे बोलते हैं उपत्यका, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए शब्द क्या बनेगा? वीर पुत्र को जन्म देने वाली को क्या बोलते हैं? यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा वीर प्रसू। क्या बोलते हैं? वीर प्रसू बोलते हैं। ए नंबर मत लगाइएगा, काफी लोग ए नंबर दे रहे हैं, ए नंबर नहीं लगेगा, ये वीरांगना नहीं है, कोई लड़ाई करने नहीं जा रही है, ये वीर पुत्र को जन्म दे रहे हैं, तो वीर प्रसू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लेता है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसे बोलते हैं अध्यूड़ा। क्या बोलते हैं? वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अध्यूड़ा बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वह स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर 20 नंबर को जवाब देना है। 20 नंबर में जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहेंगे? तो 20 का ऑप्शन देना है, और 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका बी नंबर, और आपका जवाब क्या हो जाएगा? आसुरपस्या। आसुरमपस्या ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन दिया गया है कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? चलिए अगर बताइएगा कि अगर आपको आपको अगर कौवा के स्त्रीलिंग निर्धारण करना है तो क्या करेंगे? यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौवी का कौवा कह दो, क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुलिस ने पूछा गया तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है मंत्री शब्द का लिंग क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है मंत्री शब्द का लिंग आपको बदलना है। यहाँ पर ये मंत्री शब्द है क्या, तो यहाँ पर हो जाएगा मंत्री कैसे, मंत्री शब्द का लिंग क्या है? तो मंत्री आपका पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक है, और आपका उभयलिंग है। चलिए यहाँ पर क्या जवाब बनेगा, तो इसलिए हम लोग उभयलिंग कर देंगे, क्योंकि अगर स्त्रीलिंग होती है या पुल्लिंग होता है दोनों को मंत्री ही कहेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो अपवाद में क्या होता है, छोटी और आपका बड़ी, ये स्त्रीलिंग में होती है, अदर जो आपकी होती है वो क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग में होते हैं। तो 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? तो चलिए बताइएगा कौन सा ऐसा पुल्लिंग शब्द है जो कि स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना हुआ है? फोर नंबर में देखो, यहाँ पर जैसे आपका भेड़
होता है, क्या होता है भेड़, तो यहाँ पर देखो भेड़ा हो गया, तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो गया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट आता है उनका लिंग क्या होता है। तो चलिए, कोई भी अगर आपकी भाववाचक संज्ञा है और आपका हट आता है तो आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर ऑप्शन बी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे क्या होता है, मान लो हमने बता दिया घबराहट, क्या घबराहट, घबराहट, तो आप क्या बोलोगे, घबराहट कैसी है, है ना, घबराहट कैसी है, अर्थात स्त्रीलिंग आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप हो जाता है, सिक्स नंबर में बताइएगा। तो देखो काला दिया है तो काला का काली कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें से कौन सा लिंग होता है। अब स्त्री की बात किया है तो आप लोग क्या बोलोगे, स्त्रीलिंग तो बोलोगे और कुछ बोलोगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आक्रांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। अगर कोई आक्रांत स्त्रीलिंग शब्द है और इसको अगर आपको बहुवचन बनाना है तो आपको क्या करना है, लास्ट में क्या करेंगे, आपके अंत के स्वर में जो आपका ए जोड़ देते हैं, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि तन शब्द का लिंग निर्धारण करना है, तन कैसा और कैसी, देखो दो ही आपके पॉइंट होते हैं, कैसा और कैसी, और कैसा तन कैसा है, तो आप क्या कहोगे, आपका पुल्लिंग आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, प्रभाव कैसा है, भाषा कैसी है, निर्माण कैसा है और विवाह कैसा है, तो इसका मतलब है 10 ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर आपका बी नंबर, जो बी नंबर आपका है भाषा है। देखो हम आपको फिर से आज बता दे रहे हैं क्योंकि काफी लोग पीटी में जुड़े हैं, तो हम आपके यहां पर ट्रिक यूज किया जाती है, कैसा और कैसी, क्या कैसा और दूसरा होता है कैसी, अगर कैसी से आंसर आता है तो आप लोग यहां पर स्त्रीलिंग कहेंगे, और अगर आपका कैसा से आंसर आता है तो पुल्लिंग, जैसे प्रभाव कैसा है तो प्रभाव कैसा है, यही तो बोलोगे या प्रभाव कैसी है, अगर हम बोलते हैं कि प्रभाव कैसी तो कहोगे सर कैसी नहीं बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, इसका मतलब कैसा से आंसर आ रहा है तो आपका पुल्लिंग, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, घटना कैसी है, लज्जा कैसी है, प्रार्थना कैसी है, संकल्प कैसा है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है 12 नंबर में, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, कह रहा वर्षा कैसी है, है ना, ये वर्षा हो रही है, है ना, विधुर और राग कैसी है, दीमा कैसी है, देखो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा विधुर, विधुर का जो प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर पुल्लिंग में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, पुल्लिंग घटना कैसी है, क्षमा और रीति और आपका क्षेत्र कैसा है, इसका मतलब 13 ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, क्षेत्र जो आपका है यह आपका पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ले कैसा है, दुख कैसा है, स्पर्श कैसा है और गरिमा कैसी है, तो कैसी मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, झील कैसी है, मिल गया आंसर पहला ही, झील कैसी है, क्योंकि द्वीप कैसा है, देश कैसा है, नगर कैसा है, है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया, निम्न में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, कष्ट कैसा है, सेना कैसी है, क्षमा कैसा है और आशा, यहां पर देखो आपको पॉइंट मिल गया, कौन सा, कष्ट कैसा है, क्योंकि क्षमा कैसी है, क्षमा की जाए कि ना दिया जाए, इसे क्षमा करना है कि नहीं है, सेना कैसी है, आशा कैसी है, मतलब ये नंबर आपका हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ये नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बस ये है कि आप शब्द का प्रयोग करना सीख जाए, शब्द का प्रयोग किस प्रकार से कहां पर करना है, इसका डिफाइन आप कहां कर लेते हैं, अगर ये सीख गए तो समझिए कि आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग सीख गए। चलिए कह रहा है, निम्न से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, आभार, माया, दया और आपकी भाषा, मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा, 17 का ये नंबर, मैं आपसे आभार प्रकट करता हूं, है ना, करती नहीं कम होता है, आभार होता है, आभार कैसा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, ग्रह कैसा है, पत्ता कैसा है, सभा कैसी है, चंदन कैसा है, मतलब 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, सभा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, रूप कैसा है, विवाद कैसा है, आय कैसी है, सार कैसा है, मतलब आय की जो आपकी कैसी है, तो आपका स्त्रीलिंग आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द आपको छांटना है और पुल्लिंग शब्द यहां पर आपका कौन सा बन जाएगा, तो यहां पर आपसे कह रहा है क्या, ये आहार कैसा है, है ना, चाहत कैसी है, रंगत कैसी है, मेहनत कैसी है, मतलब यहाँ पर जो ए नंबर आपका है, ये आहार कैसा है, कैसा है, मतलब आपका पुल्लिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, भील का स्त्रीलिंग बताना है, भील का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, भील का होता है भीलनी, कौन, भीलनी, और कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन सी नंबर आपका लिखा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया, स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है, चलिए 22 नंबर में, यहाँ पर स्त्रीलिंग, यहाँ पर कह रहा है सलाद कैसा है, सारस कैसा है, सलाम कैसा, लेकिन सनक कैसी है, बोलेंगे कैसे सनक है यार, है ना, सनके और सनक कैसी है, सनक कैसी है, ऑप्शन आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, कह रहा है तिल कैसा है, छाछ, टेसु और आपका काढ़ा। अब ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर जो छाछ है वो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग होता है, तो इसको नोट करिएगा क्योंकि गलती यहीं पर आपसे हो सकती है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, स्त्रीलिंग आपका छाछ होता है। अगला कैसा आपका है, पुल्लिंग शब्द आपका चयन करना है, वधु कैसी है, धावक कैसा है, है ना, धावक कैसा है और कैसा, मतलब आपका पुल्लिंग पूछा गया था क्योंकि लेखिका और नायिका युक्त स्त्रीलिंग आपका हो ही जाएगा। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होता है, तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो तपस्विनी होता है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ये रहा आपके यहाँ पर स्त्रीलिंग। अब हम लोग आते हैं जो आपके सम आपके होते हैं, क्या, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, मतलब क्या होते हैं, सुनने में एक जैसे होते हैं लेकिन अर्थ क्या होते हैं, इनके भिन्न भिन्न होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर दिया है दिन और आपका दिन, चलिए बताइएगा, देखो यहाँ पर दिन मतलब होता है जो गरीब दुखिया होता है और दिन मतलब होता है दिवस, तो ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अगला है, युग्म शब्द की जोड़ी पूछा गया है, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही दी गई है, धरा और पृथ्वी, क्या दिया है, धरा और पृथ्वी दिया गया है, अच्छा
और न्याय और अन्याय है, मान और अपमान है, और आपका दिया है अचल और अचला। तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं श्रम सुति। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी वाले में जो आपका आ रहा है अचल और अचला, ये दोनों एक जैसे बोलने में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? अचल और अचला मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अली किसे बोलते हो बताइएगा, अली किसे बोलते हैं? वीडियो को लाइक भी करिएगा, जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को लाइक भी करिएगा। और आज का टॉपिक बेस्ट है क्योंकि आज के इस टॉपिक से ही क्वेश्चन बनते हैं, है ना? तो चलिए अली मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपका होता है भौरा और अली मतलब होता है सखी। तो कौन सा जवाब बनेगा? डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अभय और उभय। देखो अभय मतलब क्या होता है, उभय मतलब क्या होता है? उभय मतलब होता है कॉमन, है ना? क्या होता है? जो कॉमन होता है या बोल सकते हैं दोनों, है ना? और अभय मतलब होता है जो निर्भय होता है। तो यहाँ पर कौन सा बन रहा है? ऑप्शन डी नंबर आपका बन रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चीर और चीर का अर्थ क्या होता है? चीर मतलब होता है कपड़ा और चीर मतलब होता है क्या? यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा फाइव नंबर में? यहाँ पर चीर मतलब होता है पुराना और चीर मतलब होता है कपड़ा, है ना? तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सही अर्थ वाला आपका युग्म कौन सा है? देखो यहाँ पर दिया है सिक्स वाले में, कह रहा है निर्जर और आपका यहाँ पर निर्झर। तो देखो निर्झर को हम कर सकते हैं लेकिन निर्जर मतलब सूर है तो आपका होगा नहीं। सर और सर, यहाँ पर सर कह रहे भला आदमी और यहाँ पर कह रहे बाढ़, तो सर मतलब यहाँ पर आदमी को थोड़ा बोलेंगे, कोई सर लगाने से बड़ा इंसान थोड़ा हो जाता है ना, बहुत ही घटिया लोग के भी होते हैं। देखिए ऑप्शन कौन सा बनेगा? यहाँ पर आकर और आकार, यहाँ पर सिक्स नंबर में, यहाँ पर आकर मतलब होता है खान, है ना? और जो आकार होता है वो एक आकृति होती है। तो ऑप्शन सी नंबर राइट चला जाएगा, ठीक है ना? क्लियर है ना? चलिए काफी लोग यहाँ पर डी दे रहे हैं तो डी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है श्रुति सम युग्म की भिन्न अर्थ वाली जोड़ी आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो देखिएगा श्रम श्रुति शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली पूछा गया क्या है आपका। अब यहाँ पर भिन्न अर्थ दिया गया है, तो देखिएगा यहाँ पर दिया गया क्या, किरण और रश्मि दिया गया है, अभिलाषा और इच्छा दिया गया है, राति और निशा, ये क्या दिए हैं? एक प्रकार के पर्यायवाची दिए हैं। लेकिन यहाँ पर कुल और कुल, है ना? कुल और कुल तो आप लोग जानते हैं, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका हो जाएगा। कुल मतलब वंश होता है, कुल मतलब किनारा होता है, तो ये इसमें से आपका अलग अर्थ दे रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द जोड़ी को पहचानना है। शाम दिया, संध्या दिया, दिन और दिवस दिया, अपेक्षा और उपेक्षा, मतलब यहाँ पर आपसे क्या बन जाएगा? तो आठ ऑप्शन सी नंबर। देखो बोलने देखने में जैसे लिखे हैं अपेक्षा और उपेक्षा, बिल्कुल लिखे ना, किसी से अपेक्षा रख रहे हैं और किसी से उपेक्षा आपका हो गया, तो ऑप्शन सी नंबर इसका आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया अनिल और अनल का सही अर्थ आपको बताना है। बस इतना पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा, बस इतना पढ़ लीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं आपको। याद रखिए अनिल किसे बोलते हैं और अनल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? तो चलिए नाइन ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर अनिल मतलब होता है वायु और अनल मतलब होता है आग, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। इसको नोट करिए, गलती ना होने पाए, ठीक है? अगला क्वेश्चन दिया गया है करे कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो यहाँ पर आदि का अंत होता है दिया गया, अभिनय का नाटक दिया है, अनुचर का नौकर दिया है, ये तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी भिन्नार्थक शब्द है, पर्यायवाची है। लेकिन अवधि और अवधि, अवधि मतलब क्या होता है? यहाँ पर समय समय होता है, लेकिन अवधि क्या होती है? एक भाषा होती है। तो यहाँ पर देखो बोलने में देखने में जो अगर हम बोले तो आपको लगेगा सर बिल्कुल सही है, लेकिन अर्थ दोनों क्या हो रहे हैं? अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन दिया है सही अर्थ वाला आपको बताना है। यहाँ पर सही अर्थ वाला आपको नहीं है, कौन सा नहीं है? ग्यारह नंबर में देखो अली मतलब भंवरा, अली मतलब सखी, अनिल मतलब हवा, अलन मतलब आग, है ना? जलज और जलद, देखो जलज और जलद, द शब्द जहाँ होता है वहां पर बादल होता है, हमने बताया था कि बादल होता है, यहाँ पर समुद्र दिया है, तो समुद्र वाला ऑप्शन आपका सी नंबर यहाँ पर गलत हो गया। क्लियर हो गया ना? क्लियर है, इतना आसान आपका दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अन्य और अन्य, बोलने में आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमने बोला बिल्कुल आपको सही सुना दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखा जाए क्या अंतर यहाँ पर दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ पर अन्य मतलब होता है जो आप लोग अनाज खाते हैं और अन्य मतलब होता है जो दूसरा होता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है चीर और चीर के लिए सही आपको बताना है। चीर मतलब क्या होता है? तो अभी अभी हमने आपको बताया था इस वीडियो में, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इस वीडियो में, ये क्वेश्चन हम आपको कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने अभी आपको बताया है, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन दिया गया है शब्द युग्म के सही अर्थ आपको बताना है चौदह नंबर में। चलिए देखो यहाँ पर दिया है समुद्र और कमल दिया है, है ना? बादल वाला समुद्र दिया गया है और जलज और कमल दिया गया है। यहाँ पर एक कमल और बादल क्या दिया है? कमल और आपका जो बादल है, यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा जो कि सही अर्थ आपको दे रहा है। यहाँ पर देखो कमल से समुद्र दिया है, यहाँ पर बादल और समुद्र दिया है, यहाँ पर जल और कमल दिया है, है ना? यहाँ पर क्या है? कमल और जो आपका बादल दिए हैं, ये आप यहाँ पर सेम हो जाएंगे इसमें से, क्योंकि इनके अर्थ में आपका आएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सकल और सकल। सकल आप जानते हैं जो आपको दिख रही है सकल, मतलब ये सकल संपूर्ण वाला है, ये सकल वाला क्या है? अंश वाला है। याद रखिए इसका राइट आंसर कौन सा बनेगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा आदि और व्याधि शब्द युग्म में से आदि का अर्थ होता है? आदि और व्याधि में कह रहा है आदि का अर्थ क्या होता है? आदि का अर्थ जो होता है क्या होता है? ये होता है मानसिक जो कष्ट होता है, जो मानसिक कष्ट होता है उसे बोलते हैं आदि। तो यहां पर इसको आप पढ़ लीजिएगा, इतना ही पढ़ेंगे। अब हम लोग आ गए हैं मुहावरे में, ठीक है? क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग मुहावरा पढ़ने वाले हैं। कह रहा है आदमी बनना मुहावरे का अर्थ बताइएगा। कभी कभी आपने सुना होगा, बोलेंगे यार आदमी बन जाओ, काहे मूर्खता कर रहे हो, किसी दिन कचरे जाओगे अच्छे से तो सब सुधर जाओगे, है ना? बात ये होती है ना। तो आदमी बनना क्या मतलब होता है? यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा कि अच्छा व्यवहार करना सीख लो, है ना? अच्छा व्यवहार सीखना, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नेकी कर दरिया में डाल, उसने उसको नेकी किया और दरिया में डाला, मतलब क्या हो जाएगा? उपकार करके उपकार की बात भूल जाना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आंसू पीकर रह जाना, मोहरे का अर्थ देना है। यहाँ पर क्या बनेगा? तो मतलब होता है कि जो लोग दुख को बहुत ही आसानी से कह सकते हैं चुपचाप सहन कर लेते हैं, अपने आंसू पी जाते हैं, लेकिन क्या होता है? दिक्कतें होती हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आंधी आवे बैठ गवावे, आंधी आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का बताइएगा अर्थ क्या हो जाएगा? फोर नंबर में। तो यहाँ पर संकट में मुंह फेर
प्रेरणा, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब होता है आंधी आवे गए बैठ गांव में, होता है कि विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, है ना। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा कि कभी ना कभी हमारा समय आएगा दिन बहुरेगा, मतलब वही हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गई भाई गति सांप छछूंदर कीरी, भाई गति सांप छछूंदर कीरी, यहाँ पर बताइए फाइव का जवाब क्या बनेगा। तो चलिए यहाँ पर होता है एक दूसरे से बचना, दृढ़ संकल्प होना, अपने खतरे में डालना, नहीं ऑप्शन डी दुविधा में होना, याद रखिए भाई गति सांप छछूंदर कीरी मतलब होता है दुविधा में होना, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखो जो नया लगे उसको नोट करिएगा, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, अब बताइए सिक्स नंबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब आयोग व्यक्ति को अच्छी चीज देना, छछूंदर के सिर में अगर चमेली का तेल भी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, छछूंदर को कहाँ जाना है, नाली में ही तो जाना है, अब उसके चाहे चांदी चाहे उसको ब्यूटी पार्लर ले जाओ चाहे उसको चमेली का तेल डालो कोई मतलब नहीं है, तो आयोग व्यक्ति को अच्छी चीज देना, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करना है जो विलोकोक्ति में अर्थ दिया गया है, यार आपसे यहाँ पर प्रभुता पाई का हुमत नहीं, प्रभुता पाई का हुमत नहीं, इसमें पूछा गया है सेवन नंबर में, इसका क्या होता है मतलब शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, क्या शक्ति पाने पर व्यक्ति क्या हो जाता है अभिमानी हो जाता है, यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा डी नंबर। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा कि प्रभुता पाई का हुमत नहीं मतलब शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। अगला दिया है उस विकल्प का चयन करना है कौन से, कि आंख का अंधा गांठ का पूरा, आंख का अंधा गांठ का पूरा मतलब क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा ऑप्शन ए मूर्ख और धनी, है ना, आंख का अंधा गांठ का पूरा मतलब होता है मूर्ख धनी, यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी, इसका मतलब क्या बनेगा, तो नाइन का ऑप्शन क्या बनेगा, कह रहा है दूसरे के फल दूसरा तो हो ही नहीं जाएगा, ऑप्शन ए भी बनेगा, अपने कर्म का अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, ऑप्शन क्या बन जाएगा बी नंबर, अपनी करनी पार उतरनी, अपना कर्म फल स्वयं भोगना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बोए पेड़ बबूल का आम कहां से हुए, है ना, मेहनत किया थोड़ी से, है ना, मेहनत किया थोड़ी से और कहे तो पीटी पास हो जाए, मेहनत किया थोड़ी से कह रहे हैं आईएएस बन जाए, तो भैया जितना काम करोगे तो उतना मिलेगा ना, बोए पेड़ बबूल का आम कहां से हुए, तो 10 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर ऑप्शन आपका आएगा यहां पर ए नंबर या सी नंबर, यहां पर सी नंबर, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि कहोगे सर देव सर की क्लास में चलते हैं लास्ट दिन उसकी मैराथन क्लास ले लेते हैं या सबसे स्पीड में देखा जाए यूट्यूब में यही पढ़ाते हैं चलो उनकी पढ़ लेते हैं, तो एक दिन पढ़ने से कुछ नहीं होता है, चाहे कोई सुपर फास्ट हो चाहे कोई भी फास्ट हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ बताइएगा, चलिए यहां पर बताइएगा कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए मतलब क्या बन जाएगा, यहां पर देखिएगा क्या है, बहुत कंजूस व्यक्ति, है ना, क्या बहुत कंजूस है, यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दांत काटी रोटी का अर्थ बताइएगा, यहां पर दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि दांत काटी रोटी होता है, यहां पर आपका झूठ वाला कुछ नहीं माना जाता है ना, दांत काटी रोटी मतलब होता है गहरी दोस्ती। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कुजगा फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत का अर्थ बताइए, कुजगा फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा, तो याद रखिए धर्म संकट की जब स्थिति आती है, क्या जब धर्म संकट की स्थिति आती है तो उसे कहा जाता है कुजगा फोड़ा और ससुर वैद्य, यहाँ पर ऑप्शन ए नंबर राइट बनेगा। इसको नोट कर लीजिएगा जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, वैसे हमने इसको पढ़ा भी दिया है। चलिए होनहार वीरवान के होत चीखने पात, मतलब यहाँ पर जो व्यक्ति होनहार होता है वो बचपन से ही बदतमीजी करना या कह सकते हैं पढ़ाई में धर्म करना शुरू कर देता है, जो लोग अपति की तरह कह सकते हैं बिगड़ाए लोग होते हैं पहले से दिखाई पड़ जाते हैं कि आगे चल के ये बहुत भयंकर वाला इंसान बनेगा और बहुत बहुत सीधे होते हैं, मतलब ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ बताना है, और अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या बनेगा, यहां पर देखिएगा कि बहुत ही लालची तो होगा नहीं, ओछे नहीं होगा, यहां पर गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, गुणहीनों के बीच एक गुणवान मतलब इनके अंदर गुण नहीं है लेकिन उनके बीच ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत टैलेंट है, तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है पौ बारह होने का अर्थ क्या होता है, पौ बारह होना मतलब आपका क्या हो गया कि लाभ ही लाभ हो रहा है, खूब लाभ हो रहा है मतलब खूब लाभ कमाना, पौ बारह होना मतलब खूब लाभ कमाना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बिंध गया तो मोती रह गया तो सिप, चलिए बिंध गया तो मोती और रह गया तो सिप लोकोक्ति का अर्थ बताना है 17 नंबर में, मतलब यहाँ पर कह रहा है जो वस्तु काम में आ जाए वही अच्छी है वो तो सब बेकार है, है ना, जो वस्तु काम में आपकी आ जाए वही सही है नहीं सब बेकार है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, यहाँ पर आपको 18 का जवाब देना है, और देखिएगा राजा भोज बांध से कोई मतलब नहीं है, राजा भोज का तो नाम आना ही नहीं चाहिए, यहाँ पर भोज का नाम आना ही नहीं चाहिए, हमने आपको बताया भी पहचान सबसे बड़ी होती है, जो चीज दे वो तो आपको नाम नहीं होगा उसका कोई दूसरा ही परिवर्तन होगा, तो ऑप्शन कौन सा मिला है यहाँ पर सी नंबर, छोटे आदमी की बड़े आदमी से क्या तुलना, है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अपनी पगड़ी अपने हाथ लोकोक्ति का अर्थ बताइएगा, अपनी पगड़ी अपने हाथ मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है गूलर का फूल होना मोहरे का अर्थ बताइए, गूलर का फूल होना मोहरे का अर्थ बताना है, तो चलिए दुर्लभ वस्तु होती है दिखावटी या तुच्छ या बिल्कुल बुद्धू, तो आपको पता है कि दुर्लभ वस्तु कभी जल्दी किसी को दिखाई नहीं देता है गूलर का फूल, है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही दी गई है, अब यहाँ पर जो आपका आठवां चैप्टर है आपका कौन सा, यहाँ पर सामान्य अशुद्धि है, तो चलिए इसको टॉपिक को सॉल्व कर लेते हैं, और इस
इसके बाद ये टॉपिक के बाद आपका ये टॉपिक खत्म ही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखो दिया गया सन्निधि, अब किसे कही करेंगे। यहाँ पर देखो ये जो ऑप्शन दिया है डी वाला, ये आपका सही दिया गया है, ठीक है। कौन सा, यहाँ पर ये वाला जो सन्निधि सही है, बिल्कुल राइट है। अगला दिया है निम्न में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है। यहाँ पर ज्योत्सना है, पुण्य दिया है, क्षमा दिया और उन्नति दिया है। आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो ज्योत्सना दिया है वो आपका बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि यहाँ पर पुण्य होता है, क्षमा आप तो जानते कैसे लिखते हैं, उन्नति में आप लोग बताया कि यहाँ पर ऐसे लिखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि शुद्ध वर्तनी आपको बताना है वाल्मीकि होता है या वाल्मीकि होता है, तो होता है वाल्मीकि। अब कौन सा हो जाएगा, तो वाल्मीकि। कौन सा वाल्मीकि, यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा वाल्मीकि। यहाँ पर मी में जो मात्रा होगी बड़ी की होगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है यहाँ पर पहला अशुद्ध छाटना है, यहाँ पर फोर नंबर दिया अशुद्ध छाटना है, यहाँ पर पूजनी सही दिया है, महीना सही दिया है, उपर्युक्त सही दिया है, लेकिन व्यंग जो दिया गलत दिया है, क्योंकि होता क्या है व्यंग आपका होता है। क्लियर हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन दिया गया है नीचे लिखे गए शब्दों में से सही शब्द आपको पहचाना है, है ना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका सही शब्द आपका दिया है। चलिए यहाँ पर देखो दिया त्यौहार, और त्यौहार कौन सा सही बनेगा। यहाँ पर त्यौहार जो बनेगा फाइव नंबर में हो जाएगा त्यौहार, इस प्रकार से लिखते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ए नंबर बनेगा त्यौहार, इस प्रकार से लिखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सही रूप आपको बताना है साहित्य कैसे लिखते हैं, साहित्य कैसे लिखते हैं, यहाँ पर बताएगा साहित्य कौन सा हो जाएगा सिक्स नंबर में। देखो बड़ा सा होना चाहिए और बड़ा सा दो आपके दिए, एक ये दिया एक ये दिया है, लेकिन सही दिया कौन सा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अगर आपसे दुष्चरित्र, और दुष्चरित्र को किस प्रकार से सही लिखेंगे, दुष्चरित्र को किस प्रकार से सही लिखेंगे, यहाँ पर सेवन का जवाब देना है, और ऑप्शन का बनेगा यहाँ पर डी नंबर, इस प्रकार से दुष्चरित्र सही लिखा जाएगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा डी नंबर, क्योंकि जो सा होता है इस प्रकार से होता है, लेकिन याद रखिएगा कि उसमें भी ये जो आपकी होती है डंडा ही आपका नहीं लगा होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है रासायनिक किस प्रकार से लिखते हैं, रासायनिक किस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पर से पूछा गया है, और बताइएगा रासायनिक होता है क्या, रासायनिक होता है कौन सा, ये वाला होता है रासायनिक होता है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है सही वर्तनी बताना है कौतूहल, कौतूहल तो देखो एक है आपके पास दिया गया है जिसमें ता में मात्रा है बड़ा उ की, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा आपसे यहां पर सही वर्तनी आपको देना है। अब यहां पर जो आपका सही बनेगा कौन सा बनेगा, पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए ऊपर लिखित आपको 10 नंबर में दीजिएगा, 10 नंबर में ऊपर लिखित कौन सा हो जाएगा, चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं 10 नंबर में, यहां पर ऑप्शन आ रहा है आपका बी नंबर। ऊपर लिखित इस प्रकार से लिखिएगा, किस प्रकार से बी वाला सही दिया गया है, ऊपर लिखित इस प्रकार से लिखेंगे, ऊपर ही नहीं करेंगे जो आप लोग ऊपर ही कर रहे हो, यहाँ पर बी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कह रहा आपसे यहाँ पर जो दिया गया है शुद्ध रूप आपका कौन सा है 11 नंबर में, देखो दिया गया तदात्म्य, तदात्म जो दिया है तदात्म्य ए नंबर ही आपका सही होगा। कौन सा ए नंबर, इसको नोट कर लीजिएगा, एक नंबर नोट कर लीजिए आपका तदात्म्य जो आपका होगा ये आपका इस प्रकार से सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कह रहे अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है अशुद्ध कौन सा हो जाएगा 12 नंबर में। चलिए 12 नंबर की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका दिया गया है चरमोत्कर्ष सही दिया है, वार्ड में सही दिया है, पुनरुत्थान भी सही दिया है, लेकिन यहाँ पर दिया गया हिरण्यकश्यप, तो यहाँ पर मात्रा क्या होती है, सी में मात्रा होता है हिरण्यकश्यप होता है ना, तो इसका मतलब ये वाला जो आपका दिया था ये गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहे अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है 13 नंबर में। अब देखिएगा यहाँ पर वार्ड में तो सही दिया गया था, उत्कर्ष सही दिया है, वैमनस सही दिया है, अब दिया मिथिलेश कुमारी, अब मिथिलेश कुमारी में दिक्कत क्या है, तो याद रखिए मिथिलेश मतलब जो था है उसमें एक छोटी की मात्रा होती है, थी में जो मात्रा होती छोटी की मात्रा होती तब सही होता है, तो हो जाएगा मिथिलेश कुमारी। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहे एक की वर्तनी आपकी शुद्ध है, बताइए कौन सी वर्तनी शुद्ध है, उन्नयन जो लिखा जाएगा किस प्रकार से सही लिखा जाएगा, उन्नयन किस प्रकार से, याद रखिएगा 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, उन्नयन इस प्रकार से सही लिखा जाएगा, राइट आंसर आपका सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है एक की वर्तनी आपकी शुद्ध है, देखो निरोग दिया गया है, है ना 15 नंबर में, देखो निरोग होता है मतलब यहाँ पर ना में जो मात्रा होती बड़ी बड़ी की होती निरोग होता है, यहाँ पर दिया गया क्या अच्छौहड़ी, बिल्कुल सही है, यहाँ पर बी नंबर आपका जो जवाब है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अच्छौहड़ी जो दिया है ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब यहाँ पर बड़ा जलना है ना वो नहीं होना चाहिए, और राजमहल होता है, इस मतलब ये गलत है ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यार एक ही वर्तनी आपकी शुद्ध है 16 नंबर में, तो देखिए यहाँ पर दिया है अनापेक्षिक, तो देखो अनपेक्षिक होता है मतलब ना की मात्रा नहीं होना चाहिए, है ना, यहाँ पर सठ दर्शन दिया है, सठ दर्शन दिया है, पर्यावसान ऑप्शन बी वाला जो दिया गया है यहाँ पर 16 नंबर में, 16 नंबर में जो दिया गया है कह रहा आपसे क्या, तो आपका पर्यावसान जो आपका दिया है आपका सही नंबर दिया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो दिया गया है षष्ठ दर्शन होते हैं, क्या होते हैं षष्ठ दर्शन आपके होते हैं, षष्ठ दर्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पर होता है क्लिष्ट, क्या होता है क्लिष्ट होता है, यहाँ पर मात्रा जो आएगा वो आपका क्लिष्ट हो जाता है, क्लिष्ट नहीं होता है क्लिष्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है एक ही की वर्तनी आपकी शुद्ध है, और वर्तनी शुद्ध कौन सी है, तो चलिए यहाँ पर 17 का जवाब देना है, यहाँ पर दिया है निशब्द, है ना, ये तो गलत हो गया। जा माता होता है मतलब जा में बड़ा की मात्रा होता है, तो जा माता होता है। आविष्कार जो दिया है वो आपका बिल्कुल सही दिया है, कौन सा, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आपसे दिया गया है कवित्री, अभी बताइए कवित्री किस प्रकार से सही लिखते हैं, यहाँ पर 18 नंबर में, तो कवित्री ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर, कवित्री इस प्रकार से सही लिखा जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। और हिरण्यकश्यप किस प्रकार से लिखेंगे, अभी अभी हमने आपको बताया कि हिरण्यकश्यप जो लिखा जाता है किस प्रकार से लिखते हैं, चलिए यहाँ पर 19 का जवाब लॉक किया जाएगा, वो क्या हो जाएगा, तो अब लास्ट में बताया कि जो सा होता है सा में क्या करते हैं मात्रा लगी होती है, तो हिरण्यकश्यप बनता है, कौन सा, इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है वीरहड़ी, वीरहड़ी।